रूप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो नए दर्शक हैं उनका छोटा सा परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम है ध्रुव सिंह जी और मैं कन्नौज जिले का रहने वाला हूँ, यूपी का। यूपी के रहने वाले, आपके पास काफ़ी सुंदर सुंदर शानदार जो आपके पास बकरियों के छोटे छोटे बच्चे हैं सर, देखने में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है। कौन कौन सा नस्ल है एक बार बताएंगे हम? इसमें सिरोही है, बीटल है और अजमेरी बच्चा है। अच्छा, सिरोही, बीटल, अजमेरी। हाँ जी जी, अभी तीन ही नस्ल आप लेकर के आए हैं? हाँ, तीन चार नस्ल है, एक सोजत का था वो बिक गया है। बिक गया है? हाँ, मतलब सोजत भी आप रखते हैं? हाँ रखते हैं। सर कितने कितने दिनों का ये बच्चे है? काफी सुंदर सुंदर है, काफी खूबसूरत है सर। ये 3 महीने से लेके 4.5 महीने तक के बच्चे हैं इसमें। 3 महीने से 4.5 महीने तक के बच्चे हैं। हाँ जी। इसका वजन कितना जाएगा सर? वजन वही 15 किलो से प्लस रहेगा। 15 kg सब प्लस है? हाँ जी जी। तो काफी पिछले वीडियो में आपने छोटे छोटे बच्चे लेकर के आए थे, इस बार बड़ा लॉट? छोटा लाने में दिक्कत होता है भैया, गाड़ी में छोटा माल नहीं आ सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। छोटा माल में दिक्कत हो जाता है? हाँ जी। छोटा जो होता है वो बकरियों के बच्चे को छोटा मतलब संभालने में भी किसानों को भी दिक्कत? हाँ दिक्कत होती है, कई बार कंप्लेंट आ चुकी है कि भैया ये खा नहीं रहा, ये नहीं, दूध पीने वाला बच्चा रहेगा, मान लीजिए 10-12 किलो का लाएंगे तो उससे नहीं हो, गाड़ी में ही डैमेज हो जाता है। क्या रेट में बेच रहे हैं सर? अभी 450 रुपये किलो चल रहा है। 450 रुपये केजी बेच रहे हैं। जो किसान होंगे अगर सर लेना चाहें तो फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं उनको? हाँ 10-5 रुपये हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, हाँ। क्या आपके पास काफी सुंदर सुंदर काफी बच्चे हैं सर, तो इसको खान पान से मैनेजमेंट सब सेम ही होगा? हाँ सब, खाली चावल का कोई आइटम नहीं देना है? चावल आइटम नहीं देना? आपका जो देहाती बकरी खाता है वो सब खाएगा? जी जी जी। जैसे गेहूँ है, चना है, मक्का है, बाजरा है। हमारे यहाँ तो सर ज्यादातर अपने यूपी बिहार में जो है, झारखंड में है, जो ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरियों के पालन करते हैं, ठीक है। हाँ। उसकी अपेक्षा सर इसका ग्रोथ कैसा है और बेहतर ग्रोथ, बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ का? क्योंकि किसान भाई जो है जब तक उनको बढ़िया ग्रोथ नहीं होगा तब तक उनको बेनिफिट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका बंगाल वाला जो बकरी है जिसे आप बोलते हैं राम छड़की, ये जो देहाती बकरी है उसका वजन ज्यादा ज्यादा आपका लोकल का जाएगा मान लीजिए 30 किलो तक, इसका साल में भागेगा 70-80 किलो तक। 70-80 kg तक इसका वजन? हाँ जी, 12 महीने में 70-80 किलो वजन जाएगा। 70-80 kg तक? हाँ जी, 12 महीने में। हाँ। क्या खान पान मैनेजमेंट अगर बढ़िया तरीके से करना चाहे कोई तो क्या खान पान में दे सकता है? बढ़िया तरीके से क्या, वही जैसे चना है, छिलका है, और आपका गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, बर का पत्ता है, नीम है, कटहल है, पीपल है, यही सब खिलाइए जी। मिनरल मिक्सचर में क्या क्या देना पड़ेगा? क्योंकि जो किसान अगर लेंगे जो इस तरीके का नस्ल अगर पालन करेंगे वो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर ग्रोथ चाहते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और बढ़िया पैसा चाहते होंगे। हाँ, ठीक हाँ, है हाँ। तो इसको कैसे मिनरल मिक्सचर क्या दिया जाए? जिसे बिमरल आता है, बिमरल वगैरह दिया जाए? बिमरल है, ब्रूटेन है, इसको मिला के आप पिलाइएगा। जैसे 5-5 सुबह ML पिला दीजिए, शाम को 5 ML पिला दीजिए। जी जी। हाँ। अच्छा एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो 10-15 पीस लेंगे, ठीक हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी। 10 पीस लेंगे तो उनको अगर 7,000 रुपए पर बच्चे के हिसाब से, 8,000 के हिसाब से अगर लेकर के चले एवरेज, हाँ, ठीक है। हाँ जी। तो 80,000 रुपए का 10 पीस होता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। 10 पीस अगर 80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट शुरुआत में वो करते हैं, हाँ, और उसके बाद जब 1 साल के जब हो जाता है ये, तो फिर तैयार करते हैं, उस समय सेल करते हैं, तो उसको कितना बेनिफिट एक किसान को होने वाला है? एक किसान को मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 पीस लिया है और उसने 7,000-8,000 के लोड में लिया है जी, मान लीजिए वजन के हिसाब से पड़ता है, तो बड़ा होके तो कम से कम उसका दुगना मान लीजिए जिस कदर खिलाएगा पिलाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है एक बच्चा पे 25,000 रुपए का बेनिफिट कम से कम होने वाला है। हाँ, है ना। हाँ, 70 kg हो या 60 kg हो कम से कम 30,000 में बिकेगा। हाँ, क्या? हाँ, तो फिर एक बच्चे पर कम से कम उनको 25,000 रुपए का बेनिफिट होगा। हाँ जी। उस हिसाब से अगर माना जाए तो 1 साल में 2.5 लाख रुपए का वो सेल कर लेंगे, अच्छी तरीके से उनका बचत होगा। हाँ जी, अच्छा। 2.5 लाख में अगर उनका खर्चा काट दिया जाए तो फिर कितना बचत होने वाला, कितना का खर्चा सर? मान लीजिए खर्चा क्या, साल में वो खर्चा निकल जाएगा मान लीजिए 30,000 का, 40,000 का, इतना खर्चा निकल जाए 50,000 मान ले। हाँ, मैक्सिमम 50,000। फिर भी 2 लाख रुपए का आराम से बचेगा। क्या अगर 20 बकरे लेते हैं तो 4 लाख रुपए का उनका काम हो गया। और क्या, तो फिर क्या जरूरत है दूसरे काम करने का? हाँ, बकरी पालन कीजिए, अच्छा रहता है, बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो जो किसान अगर खेती करते हैं साथ साथ अगर बकरी पालन भी करे, 10 पीस 20 पीस करे, तो इनको अच्छा बेनिफिट होने वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी जी जी। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, अपने बकरियों के दिखाएंगे और बकरों को भी दिखाएंगे और बकरियों को भी दिखाएंगे, बेनिफिट में दोनों दिखाएंगे सर। ठीक ठीक सर। जी सर, जी सर बताएंगे इसके बारे में। ये देखिए भैया, सिरोही नस्ल का बकरी है। सिरोही है? हाँ, ये बकरा है सिरोही का। सिरोही का 3 कलर होता है, एक तो ऐसा होता है और एक तो बच्चों। अच्छा, कलर से क्या बेनिफिट है? क्या कलर मतलब 3 प्रकार का कलर होता है। हाँ, हाँ, एक तो सिरोही का ये कलर हो गया। हाँ, हाँ। और दूसरा वाला एक धब्बा टाइप में रहता है। हाँ,
और एक आधा जैसे ये जैसे कलर दिखा रहा है ये, एक देखिए एक ये आ गया ये कलर, एक ये कलर है, हाँ ये भी सिरोही है वो भी सिरोही है। अच्छा, और एक बच्चा होता है ये सिरोही का, देखिए ग्रोथ ग्रोथ जो है दोनों का सेम ही, हाँ सेम ही जाएगा जितना नस्ल का है, हाँ ये भी सिरोही का है जी, हाँ इसका थोड़ा वैसा कान रहेगा। हाँ तो इसमें सर कान का क्या, ये इसमें क्या अंतर क्या है, इसमें क्या बेनिफिट होगा किसान को और क्या नुकसान होगा इसके बारे में थोड़ा सा? नुकसान क्या, अगर चावल वावल मान लीजिए खिलाएंगे या नुकीली घास खिला देंगे बरसात में, या कोई गंदा मतलब पानी नहीं पी लिया तो उससे थोड़ा तबीयत खराब हो जाएगा और क्या जी। हाँ वैसे ग्रोथ में तो अच्छा जाएगा, एक साल में मान लीजिए 70-80 किलो भागेगा, और सेवन अगर करवाइएगा जैसे ब्रोटेन हो गया भीमरल हो गया इन सबका तो थोड़ा और बढ़ सकता है। सिरोही केवल दिखाएं सर, और भी दिखाएं। हाँ और आइए हम आपको दिखा रहे हैं अजमेरी का, दिखा रहे हैं जी सर अजमेरी दिखाएंगे। अजमेरी आपका कैसा है सर ये देखना चाहेंगे, ये देख लीजिए पार्टी, ये अजमेरी है सर, ये बकरी है अजमेरी नस्ल की। अच्छा ये फीमेल है? हाँ ये फीमेल है जी। आदमी कहता भी है जैसे अजमेर में जो हम लोग वीडियो भी देखते हैं 2-2.5 लीटर दूध का दिखाता है, यहाँ नहीं आ रहा है तो देख लीजिए भैया यही बकरी है 2-2.5 लीटर दूध देती है। देती है दूध? हाँ, और मान लीजिए पहला बयान में 2 या 1 बच्चा देगी, और फिलहाल में बाद बागे में तो 3 तो देती रहती है ऑलरेडी। एक और सवाल हम करना चाहेंगे, कितने दिनों में ये 2-2.5 लीटर दूध देने की? अभी ये 3 महीने की बच्ची है, 3 महीने मान लीजिए इनको अभी 5 महीना रखना पड़ेगा, 5 महीने के बाद में ये धंधाएगी मतलब हीट पकड़ेगी, हीट पकड़ने के बाद में ये बच्चा देगी। अच्छा हाँ जी, मतलब 5 महीने के बाद। हाँ जी, और नस्ल है और दिखाएंगे? हाँ और आपका बीटल का मिल जाएगा, बीटल। हाँ बीटल, बीटल काफी डिमांड है अपने बिहार में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बीटल का बच्चा? हाँ ये देखिए बीटल का बच्चा है, बीटल भी 1-2 प्रकार के होते हैं। हाँ देख लीजिए अभी इतना लाइट है इसमें, ये बीटल का बच्चा है, काफी सर सुंदर देखने में। हाँ ये, और ये कौन सा है, ये जो ब्लैक ये आपका हो गया ब्लैक पंजाब? ब्लैक पंजाब? हाँ ये ब्लैक पंजाब है, ये पूरा ब्लैक रहता है, पूरा ब्लैक रहेगा, ब्लैक बंगाल की तरह दिख रही है। हाँ हाँ, लेकिन इसका हाइट बहुत भागता है ठीक। हाँ इसका हाइट बहुत भागेगा, जैसे सिरोही बढ़ता है उसी प्रकार ये भी बढ़ेगा। और कोई नस्ल है? हाँ और भी जैसे सिरोही, आप आदमी कहता है कि मान लीजिए गुजरी, गुजरी का जो बच्चा होता है जी, गुजरी का भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, हल्का धब्बा में रहेगा लेकिन वो ब्लैक बच्चा रहेगा, देख लीजिए ये गुजरी का बच्चा है। ये गुजरी है? हाँ ये गुजरी का बच्चा है। अच्छा एक और सवाल हम करना चाहेंगे, जो इतने सुंदर सुंदर सर छोटे छोटे बकरियों के जो बच्चे हैं, हाँ भैया ये सर आप राजस्थान में किसानों से कलेक्शन करते हैं या किसी ट्रेडर से लेते हैं? जैसे ऐसा है हम किसानों से माल उठाते हैं। अच्छा किसानों से खरीदते हैं? हाँ जी। घूम घूम करके आप खरीदते हैं? हाँ जैसे हमारा मान लीजिए पिताजी करते थे, अब हम लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट है, वहाँ नंबर से आदमी उनको बुला लेता है कि हाँ भाई हमको बेचना है, हम लेके आते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा कहाँ कहाँ के किसान भाई आपसे जुड़ सकते हैं, कहाँ का किसान भाई आपसे ले सकते हैं? जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, अच्छा MP हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी, कहीं पर भी आप बुला सकते हैं। लेकिन ऐसा है मान लीजिए जैसे हमारा अड्डा है बनारस में जी, मैन अड्डा हमारा है बनारस, अगर हम आते हैं यूपी में बनारस हो गया, जैसे अभी आप बनारस में? हाँ अभी हम बनारस में हैं। हाँ। तो अब मान लीजिए कोई अगर मिल गया भदोही वाला तो अब वहाँ से आपको आना पड़ेगा आधा दूर का, मतलब आधा दूर हम आ जाएंगे आधा दूर वो आ जाएगा, तो बीच में मिल जाएगा जी। हाँ जी बल्क में लेना चाहेंगे जो किसान बड़े स्तर पे लेते हैं, उन लोगों को तो आप सर घर पे पहुंचा देंगे? हाँ उनको पहुंचा देंगे, कम से कम तो 25 माल होना चाहिए, कम से कम 25 माल, उसमें कोई एडवांस वगैरह भी चाहिए? हाँ एडवांस भी देना पड़ेगा भैया, ऐसा है मान लीजिए अगर हमको आप बुला भी रहे हैं, हम आ भी रहे हैं आपके यहाँ, आप बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे तो हमारा तेल खर्चा भी निकल जाएगा, कम से कम तो हम तो 2-2.5 हज़ार रुपया एडवांस देना पड़ेगा। 2,000 रुपये दे रहे हैं आपको? हाँ तो हम आप वहाँ घर तक पहुँचा देंगे, उसके बाद पैसा ले लेंगे। हाँ हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम भी आप रखे हुए हैं? हाँ जी हाँ जी जी। तो कहीं पे भी कर सकते हैं या फिर जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड इन जैसे जगहों पे कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी कोई किसान कहीं से भी कॉल करता है तो कर सकते हैं? जैसे इन राज्यों से यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, MP है, उड़ीसा है, इस राज्यों में हम जाते हैं, अगर यहाँ एडवांस देता है तो हम डिलीवरी कर देंगे उसको, कर देंगे। हाँ जी। तो जो लोग भी अगर बड़े स्तर से बल्क में लेना चाहेंगे वो दूसरे राज्य से होंगे, जो जैसे महाराष्ट्र से काफी लोग कमेंट करते हैं जी सर, तो कर्नाटक से इन जैसे जगहों पे भी तो जा सकता है? हाँ जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए काफी दूरी हो जाएगा। हाँ दूरी हो जाएगा, कम से कम तो उनको 50-60 माल लेना पड़ेगा, 50-60 माल, 50 से ऊपरी लेना पड़ेगा जी जी। हाँ जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दिए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।